हाय नमस्कार जय हिंद, मैं हूँ रौनक। देख रहे हैं आप क्रिको द क्रिकेट कंपनी। जहां पर आपको क्रिकेट का मिलता है बेस्ट मसाला, और मसालेदार तो आज शाम का मैच भी होने वाला है। पिछले साल तक इस मैच को ब्रॉडकास्टर्स कोहली वर्सेस धोनी करके प्रमोट करते थे, लेकिन इस साल एक तरफ चेन्नई वाले टेसू बाहर हैं क्योंकि थला अब उनके कैप्टन नहीं है, और जो कैप्टन है वो मैच जिता नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ कोहली भैया ने तो पिछले साल ही बोल दिया था कि अगले साल से वो कैप्टनसी नहीं करेंगे। ऐसे में आज शाम को जब धोनी और कोहली को हम टॉस के टाइम पर नहीं देखेंगे तो ये सच में एंड ऑफ एन एरा वाली बात होगी। लेकिन टॉस में फिर भी दोनों के बीच एक कॉमन कनेक्शन होगा, फाफ डुप्लेसी। जी हाँ, पिछले साल तक फाफ चेन्नई के लिए फाफड़ा खा रहे थे, लेकिन अब की बार चेन्नई की लाख कोशिशों के बावजूद ऑक्शन में बेंगलुरु ने फाफ को चेन्नई के नाक के नीचे से निकाल कर अपना कैप्टन बना लिया। और अब बेंगलुरु कहाँ है और चेन्नई कहाँ, अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे तो आपको दिख ही जाएगा। लेकिन फाफ डुप्लेसी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आज की हमारी सुपर स्टोरी उन्हीं पर है। फाफ डुप्लेसी धोनी की तरह ही बचपन में क्रिकेट की जगह किसी और खेल में इंटरेस्ट रखते थे, बस यहाँ धोनी का फुटबॉल हटाकर फाफ डुप्लेसी के लिए रग्बी कर लो। लेकिन धोनी की तरह फाफ डुप्लेसी के पप्पा उनको नौकरी करते हुए नहीं देखना चाहते थे, वो यही चाहते थे कि उनका बेटा रग्बी खेले। लेकिन रग्बी में हड्डी टूटने के डर से फाफ ने क्रिकेट खेलने में सेफ्टी समझी। फाफ के क्रिकेट के सफर में उनके हम सफर बने उनके बेस्ट फ्रेंड एबी डिविलियर्स, जो न सिर्फ क्रिकेट साथ खेलते थे बल्कि हॉस्टल में रूममेट भी थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में फाफ आते ही छा गए और अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही सेंचुरी मारी और मैन ऑफ द मैच भी बने। क्रिकेट के अलावा फाफ को खाना बनाना बहुत पसंद है, और इंटरनेट की माने तो वो ग्रीक फूड छोड़कर सभी तरीके का खाना बना लेते हैं। फाफ भाई अपन मिले ना तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, साबूदाना खिचड़ी पसंद है अपने को। खैर इसके अलावा उनको फंकी कपड़े पहनने का बहुत शौक है, इन शॉर्ट बोले तो वो साउथ अफ्रीका के रणवीर सिंह है। पिछले साल चेन्नई की तरफ से खेलते हुए फाफ ऑरेंज कैप अपने ही साथी खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ से हार गए थे, लेकिन अब की बार फाफ ऑरेंज कैप के चक्कर में नहीं पड़े हैं, उनका सीधा फोकस ट्रॉफी जीतने पर दिख रहा है। और अगर आज वो चेन्नई को हरा देते हैं तो उनकी पुरानी टीम लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। लेकिन चेन्नई के फैंस को क्या लगता है, हेलो आज आपकी टीम पॉइंट्स टेबल पर घर करेगी या घर जाने की तैयारी करेगी? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना और ये लिखना कि वीडियो आप देख कहां से रहे हो। बाकी फाफ डुप्लेसी की ये सुपर स्टोरी भी जरूर शेयर करना। आज के मैच का पूरा हालचाल और बवाल लेकर हम आपसे मिलेंगे अपने दूसरे चैनल आरजे रौनक नोपो पे। बाकी इस चैनल बोले तो क्रिको को जल्दी से सब्सक्राइब करना, अगर अब तक नहीं किया तो फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी मिलना, डेली मैच की कड़क अपडेट हम लोग इंस्टाग्राम पे आपको देते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।